और ओम नमः शिवाय का विवाह कराया गया है प्राथमिक विद्यालय तो हरनंदन सिंह। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं जो आज मंदिर शेयर करने जा रहा हूँ वो शिव मंदिर है, और ये शिव मंदिर स्थित है बिरजू बिघा में, जो पोठी और जट डुमरी दोनों स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर का जो है दूरी है। ये पूर्व दिशा में स्थित है और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, तो मैं 2 ब्लॉग डालूंगा। तो पहला ब्लॉग जो है यहाँ का आप देख लीजिए, जो शिव मंदिर का है। तो मंदिर का लुक कुछ यूं है दोस्तों, आप चलिए यहाँ सुंदर से शिव मंदिर के दर्शन कर लीजिए और यहाँ के पर्यावरण को भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं सुंदर से शिवलिंग की स्थापित है, तो चलिए शिव जी से जो है आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सुंदर से शिवलिंग स्थापित है और यहाँ देखिए सुंदर से नंदी बैल लगे हुए हैं और गणेश जी की प्रतिमा भी लगी हुई है और शक्ति माँ या पार्वती जी का जो है रूप है, तो उनको इस तरह से जो है धागे, कच्चे धागे से जो है कि बांधा हुआ है, शायद उनका विवाह कराया गया है। तो चलिए मैं यहाँ का घंटा बजा देता हूँ और भोले बाबा का है आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो देखिए ये मंदिर करीब 10x10 में बना हुआ है और मंदिर का लुक कुछ ऊपर से यूं दिख रहा है। तो यहाँ काफ़ी नीचे घंटा लगा हुआ है, 2 घंटा लगा हुआ है, 1 घंटा और मैं बजा दूँ। तो यहाँ देखिए भोले बाबा का डमरू भी रखा हुआ है और लाइट की भी व्यवस्था की हुई है और यहाँ एक घड़ी भी लगी हुई है और यहाँ का जो है पहाड़ का जो है दृश्य वो जो है हनुमान मंदिर का दृश्य है, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगा। और चलिए मैं आपको एक और मंदिर का भी दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों ये बिरजू बिघा का जो है प्राथमिक विद्यालय है, जो सरकारी विद्यालय भी कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो विद्यालय है वो इस तरह का है और यहाँ का पर्यावरण जो है काफ़ी सुंदर आप लोगों को दिख रहा है। और यहाँ आपको मैं एक और मंदिर भी शेयर करूँगा इसी वीडियो में। तो देख रहे हैं कि यहाँ का पर्यावरण काफ़ी सुंदर है। और चलिए तो दोस्तों यहाँ एक जो है बरगद का विशाल पेड़ लगा हुआ है जो काफ़ी पुराना है और ये काफ़ी सुंदर है। तो चलिए यहाँ के लोगों से मैं बात भी करता हूँ, पहले मंदिर एक और है जो उनके दर्शन कर लें आप लोग। तो ये मंदिर का लुक जो है इस तरह से है, मंदिर जो है बरगद पेड़ की छाँव में स्थित है और ये महारानी माँ का जो है ये मंदिर है। चलिए मैं यहाँ से भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे शादी के कार्ड भी चढ़ाए हुए हैं और यहाँ पूजा पाठ कुछ यूं होता है। और चलिए मैं यहाँ का घंटा भी बजा देता हूँ। तो प्यारी सी घंटी लगी हुई है जिसकी आवाज़ आपने सुना और यहाँ भी घड़ी लगी हुई है और जो है हुमादान होने के कारण जो है कि दीवारें थोड़ी सी काली पड़ गई है, लोग पूजा पाठ करते रहते हैं नियमित रूप से। तो चलिए मैं यहाँ के लोगों से मैं बात करवाता हूँ जो बुजुर्ग हैं। तो दादाजी इस मंदिर के बारे में आप कुछ लोग कुछ बताइएगा। महारानी माई के मंदिर है और बड़ का पेड़ है। हाँ वो तो मैंने दिखाया। ये स्थान जो है जो हम लोग दिन भर यहाँ पड़े रहते हैं। हाँ हाँ बहुत ठंडी हवा चलती है, बहुत ठंडी हवा लगती है और प्यारा सा वातावरण लगता है यहाँ। हाँ, का पर्यावरण मैंने दिखाया लोगों को, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ये मंदिर कब से निर्मित है? बहुत पुराना है बाबू, करीब बचपन से, आपके बचपन से। हाँ ज्यादा बाबा दादा बनल थे। ओ आपका नाम? हरनंदन सिंह। हरनंदन सिंह। आपका नाम? मुन्नी मोची। तो आप लोग यहाँ आराम करते हैं ठंडी हवा में जी। तो दोस्तों यहाँ का वातावरण आपने देखा और यहाँ जो ये एक आप देख रहे हैं वो एक रेलवे लाइन का जो है मार्ग है और ये जो है
नेवरा से धनियावा की ओर का रूट है जो बन रहा है, और यहाँ स्टेशन आगे कौन सा नाम बताएगा? अच्छा, तो यहाँ एक स्टेशन बन रही है बिरजू बीघा स्टेशन के नाम से है। तो दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग था बिरजू बीघा का। अब चलिए मैं दूसरे ब्लॉग में नेक्स्ट डे जो है हनुमान जी के दर्शन कराऊंगा। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।